शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के नोगली स्थित गीता महिमा गौशाला एवं गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में योग थेरेपी व प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोगी एवं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ स्वामी जीतानंद ग्वालियर व विश्व कीर्तिमान स्थापित करता HHH गांधी के योग गुरु रंजीत ने लोगों को योग के टिप्स दिए। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के नोगली स्थित गीता महिमा गौशाला एवं गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में योग थेरेपी व प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोगी एवं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ स्वामी जीतानंद ग्वालियर व विश्व कीर्तिमान स्थापित करता ट्रिपल एवं गांधी के योग गुरु रंजीत ने लोगों को योग के टिप्स दिए। महायोगी एवं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ स्वामी जीतानंद ने स्वयं द्वारा खोज की गई आसन प्रक्रियाओं से बीमारियां दूर करने के गुर बताए। उन्होंने बताया कि अभ्यंतर योग क्रिया व रीढ़ पीठ के दर्द के लिए विशेष आसन तैयार किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस शिविर में मुख्यतः गर्दन, कमर व घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगियों के जाँच व उपचार किया जा रहा है, जिससे एक्यूप्रेशर विधि से भी मरीजों का इलाज किया गया है। इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर थे। उन्होंने बताया कि आज के इस दौर में योग और आयुर्वेद आवश्यक है। हमारी योग व प्राकृतिक चिकित्सा ही आज रोगों को पूर्ण रूप से ठीक भी कर रही है। विश्व कीर्तिमान स्थापित करता योग गुरु रंजीत त्रिगत बार्त व डॉक्टर अंकिता नेगी ने अपनी योग प्राकृतिक चिकित्सा मरम थेरेपी की सेवा दी। शिविर के दौरान गाय के गोबर व गोबर से बनने वाले प्रोडक्टों को भी जानकारी दी गई। इस शिविर के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान पूर्व पार्षद ध्रुव शर्मा समेत गीता महिमा गौ अनुसंधान केंद्र के उमा दत्त, बालकृष्ण, अनिल चौहान, टिक्कम सैनी, दिनेश वर्मा, पवन कुमार आदि मौजूद रहे। ग्वालियर से आए महायोगी एवं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ स्वामी जीतानंद ने बताया कि गौशाला में लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। इस तरह के गुर देश भर में दे रहे हैं, खासकर उनके द्वारा खोज की गई अभ्यंतर क्रिया, जिसमें 14 वेद बताए गए हैं जो काफी लाभकारी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट में आत्मरक्षा और सिद्ध योग साधना की तकनीक सिखा रहे हैं। विश्व कीर्तिमान स्थापित करता एवं HHH योग संस्था के रंजीत सिंह ने बताया कि नोगली के पास गौ सदन में योग प्राकृतिक चिकित्सा व योग थेरेपी का ज्ञान दिया गया है। लोगों को गौ सेवा और गाय के गोबर से आर्क कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया गया। स्वामी जीतानंद जी ग्वालियर से मैं पधारा हूँ और ये यहाँ हमने जो इसका उपयोग किया है अभ्यंतर क्रिया का, ये हमारी खोज है। और दूसरी भी पीठ रीढ़ का व्यायाम, उसको भी मैंने ही खोजा है और बहुत अच्छी पद्धतियाँ हैं। दोनों लोगों ने इसका जो है लाभ लिया और यह सरल भी है और लोगों ने किए। तो आप कहाँ योग कराते हैं? हम पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, ऋषिकेश में हम बराबर 3 साल से योगा फेस्टिवल में जाते हैं। वहाँ पूरे दुनिया के योगी और जो है लोग सीखने भी आते हैं। तो इसके अलावा आप मार्शल आर्ट का भी सिखाते हैं? हाँ, हमारा जो है मार्शल आर्ट में हमारी यह ब्लैक बेल्ट सेकंड डिग्री हमारे पास है, तो उसको भी हम सेल्फ डिफेंस योगा अर्थात आत्मरक्षा सिद्ध योग साधना के नाम से, तो उसको भी हम नई पीढ़ी बच्चों को जो है और सभी को उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमने ऋषिकेश में एक स्कूल में वैदिक ऋषिकुल में इसी की ट्रेनिंग चल रही है। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो चलो सर। हरिओम जी नमस्कार। आज गो सेवा सदन में निशुल्क योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया गया HHH योग समिति घानवी के माध्यम से, गो सेवा के माध्यम से। और इस शिविर में आज लगभग 41 लोगों का उपचार भी किया गया प्राकृतिक चिकित्सा एक्यूप्रेशर के माध्यम से, और योग की विधियां भी सिखाई गई परम पूजनीय स्वामी अपने जीतानंद जी के माध्यम से, कि वो योग करके प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे और प्राकृतिक चिकित्सा से ऑन द स्पॉट जो है वो ट्रीटमेंट लेकर के आराम लोगों ने यहाँ पे लिया।